नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई मुद्दा उद्दा कुछ नहीं है, थोड़ा एक मतलब ऐसा है मूड है कि कुछ चौड़े बात कर ली जाए। एक बात बताओ यार, मतलब मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को लेके आई थिंक 7-8 लाख लोग, बच्चे तो परिवार के जुड़े हुए मुझसे, और जो जुड़ना चाहते हैं मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। भाई एक एक सिंपल सी बात बताओ, सबको एक्टर क्यों बनना है? सबको एक्टर क्यों बनना है? जिसको देखो उसको एक्टर बनता है, क्यों, क्या कारण है? मतलब मुझे लगता है कि कारण यही है कि एक तो रील, पहले टिकटॉक ने बवाल मचाया, जिसको देखो मतलब, और आजकल क्या ना, हर इंसान को किसी दूसरे के घर में घुसने की आदत है, उसकी जिंदगी में घुसने की आदत है। अब एक गांव में बैठकर एक लड़की रोटियां बना रही है, अपने पति को खिला रही है और उसने टिकटॉक बना दिया, लोग देख रहे हैं। वो गोबर ले लिया, थपेले लगा रही है, वो वीडियो बना दिया, लोग देख रहे हैं। तो ये क्या माइंडसेट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई। जिसको देखो, सर मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं, अच्छा भाई क्या, सर इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर है मेरे, बहुत फॉलो करते हैं मुझे लोग, अच्छा दिखा जरा क्या किया, कुछ नहीं है, बस ये वीडियो बना दिया, डांस कर दिया है, किसी के गाने पर मुंह हिला दिया। सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, सर देखो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। यार ये मतलब दिमाग की ना दही हो जाती कई बार। तो ये सब चीजें भाई, आपको सीए क्यों नहीं बनना, आपको डॉक्टर क्यों नहीं बनना, आपको इंजीनियर क्यों नहीं बनना, आपको फला फला क्यों नहीं बनना, एक्टर ही बनना है। देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत पता क्या है, माँ बाप, बच्चा पैदा होता नहीं है उसको ये नहीं कहेंगे कि वो मेरा बेटा शाहरुख खान लगता है, मेरा बेटा आमिर खान बनेगा, शाहरुख खान बनेगा। जिसको देखो शाहरुख खान बन रहा, आमिर खान बन रहा है, रणवीर कपूर बन रहा है, भाई क्या है ये, तो माँ बाप भी बिगाड़ देते हैं। अरे बोला मेरा बेटा सीए बनेगा, कभी किसी माँ ने ये नहीं कहा होगा मेरा बेटा बड़ा होके ना पीएम बनेगा, ये नहीं बोलेंगी, एक्टर बनेगा। तो ये माइंडसेट यार, तो गुस्सा है मुझे इस बात का, क्योंकि कुछ दिन पहले एक मेरी क्लास के लिए एक बच्चा आया था, गांव से नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद उसको बुरा लग जाएगा। वो आया और उसे वर्कशॉप करी, वर्कशॉप में समझ में आ गया कि भाई उसको मेहनत नहीं करनी है, और उसको लगता था कि भाई वर्कशॉप करूंगा और एक्टिंग क्लास करूंगा तो मैं बस उसके बाद तो लाइफ सेट है, मैं एक्टर बन जाऊंगा और प्रोड्यूसर मतलब हाथों हाथ खड़े उसको लेने के लिए। लेकिन जब काम की बारी आई तो भाई काम तो कर नहीं पाए, काम करोगे तो बात बनेगी ना, तो कुछ किया नहीं। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा गाँव जाओ, वहाँ पर कुछ करो, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो, है और शादीशुदा भाई साहब, तो भाई साहब शादीशुदा थे मुझे बाद में मालूम पड़ा, और मालूम पड़ा कि गांव में उसकी कोई दुकान थी जिसमें कैसेट्स रिकॉर्डिंग करना और उसका काम था, डीजे का काम था उसका। तो भाई साहब सब दुकानों को मतलब बेच बाज कर आए थे भाई साहब। खैर हमने पूरी कोशिश करी, समझाया, लेकिन ढाक के तीन पात, क्योंकि मेहनत की गई, मेहनत तो की नहीं। अब जब मेहनत नहीं हुई तो उसको मैंने समझाया कि बेटा एक काम कर, अब लौट कर मत आना, अब मुंबई लौट कर मत आना, अपने गांव में कोई काम करना, बढ़िया काम करना जिंदगी में, और शादीशुदा भाई है। जी सर मैं समझ गया सर, मेरे बस का नहीं है ये, मैं समझ में आ गया मुझे कि इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं आपकी बात को मानूंगा, चला गया। चार दिन पहले भाई साहब फिर पहुंच गए, मुझे तो फोन नहीं किया लेकिन बाकी बच्चों से मालूम पड़ा कि मुंबई वापस आ गया, वापस धक्के खाएगा। तो ये क्या माइंडसेट है भाई साहब, ये माइंडसेट समझा दो मुझे, कोई कोई है माइकल लाल, बेटा कीड़ा है ये। अब आप बोलोगे कि एक्टिंग का कीड़ा, सर एक्टिंग का कीड़ा जिसको लग जाए ना तो बस छूटता नहीं है, भाई छूटता नहीं है, मतलब आपके हाथों से ना बहुत कुछ चीजें छूट जाती है। उस टाइम में कुछ अच्छा काम कर सकते हो आप, अपने आप को एक बार
आंख तो लो, समझ तो लो कि आप में वो काबिलियत है या नहीं। हर इंसान में एक छुपा हुआ एक्टर होता है, लेकिन क्या वो छुपा हुआ एक्टर आप बाहर निकाल सकते हैं या नहीं, तो ये तो भाई तुम्हें खुद समझना पड़ेगा ना। मैं तो समझूंगा नहीं। एक टीचर ने एक स्कूल में आप गए, एक स्कूल में एक बच्चे ने गणित पढ़ना शुरू किया, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, अब उसके समझ में नहीं आया तो भाई टीचर तो नहीं जाएगा ना एग्जाम देने के लिए, एग्जाम तो वही देगा। नहीं समझा तुम्हारी गलती, और अपने आप को नहीं समझा वो सबसे बड़ी गलती। तो भाई ऐसा काम मत करो, है टैलेंट है तो मुंबई की तरफ आओ, वरना बहुत टाइम निकल जाता है, समझते समझते बहुत टाइम चला जाता है। मुंबई बहुत सारा समय ले लेती है और बाद में लगता है कि यार क्यों आया, पछताने के अलावा कोई कुछ मतलब दूसरा पछताने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो टैलेंट है तो भाई मुंबई आओ, वरना मत आओ। वो बच्चे बोलते ना ब्लू टिक कितना अजीब लग रहा कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, नहीं नहीं ब्लू टिक मिल गया ब्लू टिक हाँ ये ज्ञान वाली बात है। देखो आगे ना ज्ञान वाली बात, ब्लू टिक के नाम पे भाई साहब आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत धांधलेबाजी है। मैं नाम नहीं लूंगा, दो चार एजेंसी ने मुझे फोन किया कि सर हम आपको इंस्टाग्राम, आपका तो बड़ा प्रोफाइल है, आप तो एक्टर हैं, आप तो ये हैं, आप तो यूट्यूब पे भी हैं, आप तो यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, हम आपको ब्लू टिक दिलवा देंगे 80,000 रुपये। इसकी माँ 80,000 रुपये, अबे 80 कितने होते हैं 80,000 बताओ हैं। मतलब गांव वाले बोले 80,000 दे दिए एक वो नीले टिक के लिए, तो आज मतलब माँ बाप जूते से पकड़ के मारेंगे बच्चों को। 80,000 रुपये मांग लिए, मैंने कहा भाई किस बात के, कहता सर वो ब्लू टिक के लिए, सर लोग देते हैं। मैंने भाई देते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है भाई, अपने पास पैसे वैसे, वो भी ब्लू टिक के लिए 80,000 रुपये। फिर बातें करते करते उसने कहा सर मैं 40,000 रुपये दिलवा दूंगा, बात आई गई होगी। दो चार दिन बाद फिर एक बंदा आया, सर वो आपको ब्लू टिक चाहिए हम दिलवा देंगे। तो मुझे यार लगा ये क्या चक्कर है। अच्छा माफ़ करना, आपको सबको पता होगा मैंने यूट्यूब के लिए भी जब वो बटन मिलता है मैंने वो भी नहीं लिया था मैंने। लेकिन इस बार मैं एक प्रोडक्शन हाउस में बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि दर्पण सर अगर आपका प्रोफाइल तो ब्लू टिक होगा आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा वैल्यू है, तो वैल्यू नहीं, मालूम पड़ा कि एक रेपुटेशन वाली बात हो जाती है, एक 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 वेरीफाइड इंसान हो जाता है कि भाई वो इंसान सही काम करता है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई जब ये दो लोग मिले तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद ही इंस्टाग्राम में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। मेरे हिसाब से 24 घंटे भी नहीं लगे मुझे ब्लू टिक मिल गया। भाई साहब एक रुपया नहीं लगा, एक रुपया, चवन्नी खर्चा नहीं हुई, 80,000 रुपये मांग रहा था। तो अगर कोई ब्लू टिक के लिए पैसा मांगता है तो भाई देने का नहीं, यहाँ पे भी वही बात, पैसा देने का नहीं, समझे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छा काम करें, आप सलीके वाला काम करें, आप अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पे सही पोस्ट डालें, कोई फेक पोस्ट ना डालें, कोई वल्गर पोस्ट ना डालें, ना कोई बदतमीजी करें, आप देखिएगा आपको इंस्टाग्राम वेरीफाई कर देगा। मेरा यूट्यूब भी वेरीफाई है, मेरा इंस्टाग्राम भी वेरीफाई है, मैंने फेसबुक को बोला है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई पैसे वैसे जहाँ पे भी पैसे मांग रहे हैं समझ जाओ पैसा मांग रहा है, मतलब आदमी मामला गड़बड़ है। तो एनीवे ये वीडियो मैंने इसलिए लाया था कि भाई मैं थोड़ा गुस्से में था कि वो लड़का जो आया वापस लौट के आ गया, तो भाई ये कीड़ा बाकी सबको काट रहा है तो मत कटवाओ अपने गांव में रहो, बढ़िया काम करो यार। और अगर वाकई में अगर आप में क्षमता है कुछ करने की, और ये रील्स बना के अगर आपको लगता है कि मैं रील्स बनाता हूँ, मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं और मैं एक्टर बन सकता हूँ, ना ना मुन्ना ना बेटा, गलत ना ना गलत जगह जा रहा है, ऐसे मत करना, सीखो समझो। अगर आप बतौर एक्टर आपने आपको स्थापित करना चाहते हैं तो भाई उसकी बारीकियों को समझो, उस पर काम करो, इंडस्ट्री आपकी। आई होप कि वीडियो आएंगे अब, और वीडियो लाएंगे, मस्त काम करेंगे। हमने 2022 में हमने अपनी एजेंसी चालू करी, काशी एजेंसी, हमने काम लगातार काम किया, वापस हमने इस साल का पहला काम कर दिया है OTT प्लेटफॉर्म के लिए, मैं बताऊंगा नहीं, वो भी काम शुरू हो गया है। वर्कशॉप हम शुरू कर रहे हैं फैब में, उम्मीद करता हूं कि
जो 2022 में हमने काम किया उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम हम 2023 में करें। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी मोहब्बत चाहिए, एकदम भौकाल तरीके से काम करेंगे। और हाँ, एक चीज और बताने वाला हूँ, अभी जो अच्छे बच्चे हैं, जो जो फिल्म फिल्मोनिया परिवार के अच्छे बच्चे हैं, जो मेरी वर्कशॉप में थे या जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ एक छोटी सी टीम बना रहा हूँ, कुछ छोटा मोटा क्रिएटिव करेंगे जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, जिससे वो भी ज़्यादा खुले बतौर आर्टिस्ट अपने आप को देख पाए। बाकी कुछ नहीं पता भाई क्या होने वाला है, हम तो काम कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। प्यार देते रहो, मोहब्बत देते रहो, चौड़े में काम करते रहो, बढ़िया काम करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, छोटी सी घंटी टन करके दबाते रहो और शेयर, नहीं तो बोल दिया मैंने ना शेयर का, तो सब बोल दिया। बाकी स्पीड थोड़ी कम है परिवार में जुड़ने के, बच्चों की तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, मज़ा आएगा, हम अच्छा काम करते हैं। दुआएं चाहिए मुझे भाई, तो दुआएं बहुत सारी दो। लौंडा देखो जवान एकदम भौकाल तरीके से खड़ा है। उम्र पूछते ना मेरी उम्र, तो मेरी उम्र है बता दूं, चलो 2023 में बता दो, मेरी उम्र है 22 साल। है क्या झूठ बोल रहे हो? दर्पण झूठ ना बोले, 22 हाँ 22 मतलब 22 में 2-4-5-10-20 साल जोड़ लो तुम अपने तरफ से। अरे यार छोड़ो ना, फिट है ना बंदा, बात खत्म, फिट है, ऐसा फिट रहना है मेरी उम्र तक आने तक। आप सबको काम करना है अपने ऊपर, अपनी बात को। यार मैं कुछ ज्यादा ही फनी हो रहा हूँ, फनी होने की जरूरत नहीं है दर्पण। चलो बाय, टेक केयर, चलिए, लव यू ऑल, बाय।